एफएएस के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 10 दिसंबर 2018 और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरुआत करते हैं कल की क्विज से। कल की क्विज में मैंने आपसे क्या पूछा था, 3 क्वेश्चंस थे उसमें कि भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक के रूप में कौन से स्थान पर है, तो भारत चौथे स्थान पर है क्योंकि उसमें यूरोपियन यूनियन भी लिया गया। ओके, अगर यूरोपियन यूनियन को आप बाहर कर दें तो चाइना और यूएसए के बाद भारत जो है वो तीसरे स्थान पर हो जाता है। ओडिशा से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसको जल्द ही जीआई टैग मिलने वाला है, तो आंसर इसका है कंधामल हल्दी, एक हल्दी है वहां पर। और तीसरा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंग अनुपात क्या था, पुडुचेरी का जो लिंग अनुपात था वो था 1037 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप देखिए कि सभी सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है। उत्तर है इसका लग्जमबर्ग। ये यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है जिसमें क्या हुआ, उन्होंने ये फैसला किया है वहां पर कि वो हर प्रकार का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर रहे हैं। कंट्री है लग्जमबर्ग, ये यूरोप में लोकेटेड एक छोटा सा कंट्री है। और ऐसा फैसला क्यों किया गया, ऐसा फैसला इसलिए किया गया है ताकि ये जो कंट्री है, ये जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। कब से ये ऐसा करेंगे कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री हो जाएगा जनता के लिए, ये होगा 2020 से तो सबके लिए, और ऑलरेडी वो ऐसा कर चुके हैं उन लोगों के लिए जिनकी आयु जो है वो 20 वर्षों से कम है। साथ ही साथ अगर सब अपना निजी वाहन इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूशन वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये फैसला किया गया है। ठीक है, अब हम मैप में देख लेते हैं कहाँ एग्जैक्टली लग्जमबर्ग लोकेटेड है। आप यूरोप का मैप अगर देखिए तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कंट्री है, छोटे छोटे कंट्रीज में ऐसे फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। राजधानी यहाँ पर लग्जमबर्ग सिटी ही है और फ्रेंच, लग्जमबोरिश और जर्मन ये तीनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, मोनार्क यहाँ पर हेनरी हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर बेटल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा हाई है, करेंसी यहाँ पर यूरो है। तो ये थी जानकारी लग्जमबर्ग के बारे में। ओके, यहाँ पर अगर आप देखिए बड़ा सा ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज लग्जमबर्ग और यहाँ पर देखो लग्जमबर्ग सिटी जो कि राजधानी है। चलती हूँ मैं अब आपको आगे लेकर और आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों पिनाकल का स्पेशल डिस्काउंट स्कीम चल रही है। पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस के सभी प्रोडक्ट्स पर हम 15 दिसंबर तक आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये ऑन रिक्वेस्ट किया जा रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तेजस्वी का फ़ायदा उठाया, काफ़ियों ने कहा कि आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, हम आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो 15 दिसंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, सभी प्रोडक्ट्स पर 50% ऑफ। आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं अब, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखो द सेंटर हैज डिसाइडेड टू फिल ऑल द वैकेंसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। केंद्र ने निम्नलिखित में से किस में सभी रिक्तियों को भरने का फैसला किया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये 11 सदस्यों का कमीशन है और ये जो है ये सबसे ऊंची हाईएस्ट अपील बॉडी है भारत में। वो सभी एप्लीकेंट्स जो है जो जानकारी चाहते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, अगर वो सबसे हाईएस्ट लेवल तक अपील करना चाहते हैं तो वो पहुंचेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक। जैसा मैंने बताया कि इसमें टोटल आपके 11 सदस्य हैं और फिलहाल जो हैं केवल 3 ही हैं क्योंकि बाकी सारे जो हैं रिटायर हो चुके हैं। तो इन 8 वैकेंसीज को भरेगा अब केंद्र ने फैसला किया है कि सभी रिक्तियों को भर दिया जाएगा। ये हमारा प्रश्न 2 था। तीसरा प्रश्न है कि नेशनल सेंटर ऑफ तटीय रिसर्च यानी कि नेशनल सेंटर फॉर जो कोस्टल रिसर्च है, उन्होंने अभी हाल ही में बीच पोल्यूशन के ऊपर सर्वे किया, स्टडी की और क्या पाया कि सबसे ज्यादा बीच पोल्यूशन का कारण क्या है। नेशनल सेंटर ऑफ तटीय रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समुद्र तट प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो है टूरिज्म।
लोग आते हैं घूमते फिरते हैं और फुल गंध मचाते हैं. नंबर एक पोजीशन पर टूरिज्म है और नंबर टू पोजीशन पर जो है वो फिशिंग है. ओके, सबसे पहले आपको टूरिज्म के बारे में ही बता देती हूँ. टूरिज्म जो है उसको सबसे बड़ा कारण माना गया है. उसकी वजह से बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा जो है वो बीचेस पर इकट्ठा होता है और प्लास्टिक लिटर ही जो है बीचेस पर वो 40 से 96% जो कचरा वहाँ पर है वो प्लास्टिक लिटर की वजह से है. उसके बाद दूसरी पोजीशन पर आता है फिशिंग, मछली पकड़ना. अब मछली पकड़ने के साथ ही काम खत्म नहीं होता ना, उस मछली की काफ़ी सफाई होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो भी बीचेस पे की जाती है. इसलिए सेकंड रीज़न जो है वो है हमारा फिशिंग. प्लास्टिक बॉटल, कटलरी, थर्माकोल, ये सभी चीज़ें बीचेस पर पाई जाती हैं. तो उत्तर इसका है टूरिज्म. आप ये तस्वीर देखिए, आपको याद रहेगा, और ये लाइन पढ़ो देखो, पॉल्यूशन बाय सिंगल यूज़, केवल एक इस्तेमाल करने से इतना सारा ये जो है कचरा हुआ है. चलो चौथा प्रश्न. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की सुरक्षित सीमा से ऊपर के बाहरी वायु प्रदूषण के स्तर पर भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है. तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने ये स्टडी किया कि पोल्यूशन के बीच में हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, कितनी आबादी हमारी गंदी हवा में सांस ले रही है, और सब पर ये स्टडी की गई. और हमने क्या पाया, ये पाया कि जो हम बाहर सांस लेते हैं, जिस वायु में हम सांस लेते हैं, उसमें अधिकतर लोग जो है 77% लोग ऐसे हैं जो कि भारत, ये भारत की आबादी का प्रतिशत है, जो जहाँ पर वायु, बाहरी वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो सुरक्षित सीमा के ऊपर है. तो आंसर क्या है इसका, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए है हमारा 77%. आउटडोर एयर पोल्यूशन जो है ये 5th largest किलर है भारत में. लोगों के मरने के पीछे ये 5वां सबसे बड़ा कारण है. ब्लड प्रेशर नंबर 1 है, इंडोर एयर पोल्यूशन नंबर 2 है, यहाँ पर आउटडोर की बात हो रही है, टोबैको स्मोकिंग, पुअर न्यूट्रिशन ये भी कारण है. तो ये था हमारा प्रश्न 4. अब आ जाइए प्रश्न 5 पर. 5वां प्रश्न, भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कौन से देश में, कौन से शहर में आयोजित किया गया. भालू पर ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ये आगरा में हुई है. ठीक है, आगरा इसका आंसर है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बेयर्स ये आगरा में हुई है. इसको ऑर्गेनाइज किया था वाइल्ड लाइफ SOS और कोलैबोरेशन किसके साथ था इनका, बेयर केयर ग्रुप फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा. ये जो वाइल्ड लाइफ SOS है ये कंजर्वेटिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में. एस्टैब्लिश किया गया था इसको 1995 में. ओके, तो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर जो है वो है आगरा. ओके, अगला प्रश्न देखो. साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया था जिसको संविधान में सूचीबद्ध 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा कौन सी भाषाओं में दिया गया. राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया गया. तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या है हमारा, आंसर जो है वो 6 है. इंडियाज साहित्य अकेडमी ने ये घोषणा की अभी हाल ही में 24 लोगों की, जिनको की दिया जाएगा 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार. मैंने आपको भारतीय भाषाओं के बारे में बताया था ये हमारे कौन से शेड्यूल में है, कितनी भाषाएं वगैरह हैं. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये संविधान के कौन से शेड्यूल में दी गई हैं और जो जब संविधान लागू किया गया था उस समय कितनी भाषाएं थी. इन दोनों का आंसर मुझे आपसे चाहिए. ठीक है, तो आंसर यहाँ पर राजस्थानी और इंग्लिश है. साथ ही आपको बताऊंगी मैं कि ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये हाईएस्ट पुरस्कार है जो कि लिखने में दिया जाता है भारत में, लेखन में. एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में और ये उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है भारतीय भाषाओं में. भारतीय भाषाएं जो है वो 22 लैंग्वेजेस जो है वहां पर दी गई हैं आपके शेड्यूल में, इंडियन और साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी में भी. ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या मिलता है, इसमें एक शॉल मिलता है, एक चेक मिलता है 1,00,000 रुपए का. तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है राजस्थानी और इंग्लिश. आप ये तस्वीर देखिए, आपको हेल्प करने में ये हेल्प करेगी ताकि आप क्वेश्चन का आंसर याद रख सकें. 7वां प्रश्न देखो. 7वें प्रश्न में पूछा गया है 19वीं अखिल भारतीय पुलिस, ठीक है, AIPDM शूटिंग प्रतियोगिता 2018 ये कौन से राज्य में आयोजित की गई है. ये आयोजित की गई है हरियाणा में. हरियाणा में जो मनेसर है गुड़गांव में वहाँ पर ये आयोजित हुई है और इसका जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरेन रिजू जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया. तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या है, हरियाणा.
इसमें करीबन 750 पार्टिसिपेंट्स हैं, 31 टीमें हैं जो इसमें भाग लेंगी, और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज्ड है, 6 दिसंबर 2018 से 11 दिसंबर 2018। यहाँ पर हरियाणा की बात आई, आज मैं आपको हरियाणा मैप में नहीं दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, हरियाणा के गवर्नर कौन है, और हरियाणा बना कब था। हरियाणा के बारे में जो आपको जानकारी आती है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और अब इससे संबंधित आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखो 19th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कॉम्पिटिशन 2018। अगला प्रश्न देखो, पाकिस्तान ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान को अपने कौन से प्रांत के रूप में घोषित करने का फैसला किया है। ओके, अब इस ये जो उन्होंने घोषणा की है इसकी वजह से भारत में काफी ज्यादा हलचल हो गई है। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इसको 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा। ओके, ये उन्होंने घोषणा की है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये भारत में काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा कर रहा है क्योंकि भारत को लगता है कि जिस एरिया में डिक्लेयर किया जा रहा है उसको भारत का हिस्सा होना चाहिए, और पाकिस्तान को लगता है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आप ये मैप देखें। ये है गिलगित बाल्टिस्तान, और भारत क्या कहता है कि ये भारत का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी पर डिस्प्यूट है, और पाकिस्तान जो है आगे जाकर कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारा 5th प्रोविंस है, वो घोषणा कर रहा है कि हम इसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर करेंगे। इस वजह से ये विवादास्पद है। ओके, पाकिस्तान डिक्लेयर कर रहा है स्ट्रैटेजिक गिलगित बल्तिस्तान रीजन को अपने 5th प्रोविंस के रूप में, और ये चिंता का विषय बन रहा है भारत के लिए, क्योंकि भारत कहता है ये डिस्प्यूटेड है और ये हमारा हिस्सा है। अब हम चलते हैं आपको लेकर अगले प्रश्न पर, हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अंतिम दो प्रश्न हैं ये। भारतीय तट रक्षक ने स्वच्छ सागर 2018 क्लीन सी 2018 नामक क्षेत्रीय स्तर समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कौन सी वाटर बॉडी में किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर जो है वो होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में ये क्लीन सी 2018 स्वच्छ सागर 2018 ये ऑर्गेनाइज किया इंडिया कोस्ट गार्ड ने, और इन्होंने वहां पर जो पोल्यूशन है उसको साफ किया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि काफी सारा यहाँ पर पोल्यूशन था जिसको इन्होंने साफ किया। मैप में दिखाती हूँ अंडमान एंड निकोबार, और पहली बार आपको जानकारी दूंगी अंडमान निकोबार के बारे में। ये देखो ये मैप है, ये भारत का मैप है, राइट। अगर आप बे ऑफ बंगाल में यहाँ देखें, यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड हैं। नॉर्थ अंडमान ऊपर की तरफ जो आपका अंडमान है, नीचे की तरफ आपका निकोबार है, बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करेगा। बहुत बार प्रश्न आता है कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, या अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है, पृथक करता है। आपको पता हो अंडमान निकोबार बना कब, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर को तो हमारे काफी सारे राज्य बने हैं, अगर आपको पता है वो कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। राजधानी क्या है यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स केवल 3 हैं। क्या आप मुझे वो राज्य बता सकते हैं भारत में जिसमें केवल 2 जिले हों, लोकसभा की सीटें 1 हैं, केवल एक ही लोकसभा की सीट है, एरिया यहाँ पर 8,250 किलोमीटर स्क्वायर है, 2012 की जनसंख्या 3,80,520 व्यक्ति, और डेंसिटी है 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी और अंग्रेजी हैं। लैंग्वेजेस जो ये वहाँ बोली जाती हैं बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सभी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अंडमान निकोबार जो है ये भारत की 7 यूनियन टेरिटरीज में आता है, और बे ऑफ बंगाल में ये लोकेटेड है। और ये जो टेरिटरी है अंडमान निकोबार की, ये केवल 150 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया से, और थाईलैंड और म्यांमार भी इसके पास ही पड़ते हैं। यहाँ पर 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं जैसे मैंने बताया, अंडमान और निकोबार। अंडमान सी जो है इट लाइज टू द ईस्ट, इसके पूरब में है। बे ऑफ बंगाल जो है वो वेस्ट में है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक भारत की ट्राइब रहती है जिसको हम अनकॉन्टैक्टेड पीपल कहते हैं, जिसके केवल 39 लोग रह गए हैं, और उन्होंने एक US सिटीजन की हत्या का आरोप उन पर लगाया गया था। आप मुझे उस ट्राइब का नाम भी लिख कर बताइए। तो ये थी जानकारी अंडमान निकोबार के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथ ही साथ भारत की जो सबसे इकलौती सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, बैरन आइलैंड। अगला प्रश्न, 10वें प्रश्न पर आ गए हैं हम। यहाँ पर है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को बदलने के लिए विश्व बैंक सहायता स्मार्ट परियोजना शुरू की है। ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 10 है।
जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उन्होंने ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्मार्ट का फुल फॉर्म ही क्या है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। 10,000 गांवों में, और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू अचीव सस्टेनेबल फार्मिंग विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, तो ये हमारा प्रश्न 10 था। ये प्रोजेक्ट है, इसको काफी बड़े स्केल पर अंडरटेक किया गया है और ये ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ महाराष्ट्र को कवर करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर महाराष्ट्र है। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन में महाराष्ट्र जो है वो कौन सी पोजिशन पर था। काफी प्रश्न आपसे पूछे हैं, रिविजन करने के लिए आपसे अक्सर ये प्रश्न पूछती रहती हूँ मैं, ताकि आप पुरानी चीजें भूलें नहीं। ओके, चलो अब आपको ले आती हूँ स्टैटिक जीके के पोर्शन पर। स्टैटिक जीके में इन दिनों हम कर रहे हैं 2011 के सेंसस के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के बारे में ये आंकड़े नीचे दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कौन से राज्य में है, पंजाब में है, और पंजाब की ही जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, उसमें अनुसूचित जातियों के उच्चतम अनुपात के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो चंडीगढ़ है। सबसे कम कहाँ पर है अनुसूचित जातियां, तो मिजोरम में है। और अनुसूचित जाति के निम्न अनुपात के साथ केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा और नगर हवेली। वो जिला कौन सा है जहां पर अनुसूचित जातियों का सबसे ज्यादा अनुपात है, कोच, ये बिहार में है। और अनुसूचित जाति का निम्न अनुपात वाला जिला है लांगतलाई, और ये मिजोरम में है। अब आप आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में 3 प्रश्न है। केंद्र ने सारी रिक्तियों को भरने का फैसला किया है, पहला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जितने भी मैंने प्रश्न पूछे उनके भी आप उत्तर देंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आजकल आप लोग इन चीजों में कंजूसी कर रहे हैं, मेरा भी तो मनोबल बढ़ाइए। काफी टाइम से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, अब हमें ये वीडियो बनाते हुए करीबन 3-4 महीने हो गए हैं, और आज के दिन में आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि अब आपको क्या सुधार महसूस हो रहा है आपके स्टैटिक जीके और करंट वाले सेक्शन दोनों पर। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।